नमस्ते दोस्तों, आज की कक्षा में हम गोगा जी के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे राजस्थान के लोक देवता हैं और पंचपीर के अंतर्गत आते हैं। इसमें आपको जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कराई है, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, तो आप इसको लिखने में आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। ध्यान से देखिए इसमें क्या बताया गया है। जैसे जो गोगा जी हैं, उनका जन्म हुआ था 1003 ईस्वी में, और इनका जो जन्म हुआ था वो ददरेवा चोर नामक स्थान पे हुआ था। इनके पिताजी का नाम जेवर जी था और इनके पिताजी के दो पत्नियां थीं। उनकी पहली बीवी का नाम था बाछल दे और दूसरी का नाम था काछल दे। जो गोगा जी थे वो बाछल दे के पुत्र थे। दरअसल क्या होता है कि जो बाछल दे थे उनके कोई पुत्र नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने गोरखनाथ जी से पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान मांगा था, आशीर्वाद। तो उन्होंने इनको आशीर्वाद स्वरूप एक गूगल का फल दिया था खाने के लिए, और उस फल को खाने के बाद गोगा जी का जन्म हुआ, और गूगल फल की वजह से इनका जन्म हुआ, इसलिए इनका नाम गोगा जी रखा गया। जेवर जी की जो दूसरी बीवी थी काछल दे, उनसे इनके दो पुत्र हुए थे, अर्जन और सर्जन। यह इनके मौसेरे भाई थे गोगा जी के। गोगा जी की भी दो शादियां हुई थी। इनका जो प्रथम विवाह हुआ था वो सुरियल नाम के राजकुमारी से हुआ था। दूसरा जो विवाह था वो केलमदे के साथ हुआ था। जो सुरियल थी वो यूपी के कजरीवन की पुत्री थी, और जो केलमदे थी वो कोलुमंड के बुड़ोजी राठौड़ की पुत्री थी। और इन दोनों रानियों से कुल 47 पुत्रों की प्राप्ति हुई है, ऐसा बताया गया है। गोगा जी के जो गुरु थे उनका नाम गोरखनाथ था, और ऐसा कहते हैं कि जो गोरखनाथ थे उन्होंने सांपों में सिद्धि प्राप्त की हुई थी। गोगा जी की सवारी नीली घोड़ी है, जिसे हम गोगा बप्पा के नाम से जानते हैं। गोगा जी के अगर उपनाम उपाधियों की बात की जाए, तो गोगा जी को जाहर पीर बोला जाता है, और गोगा जी को यह जो उपाधि थी वो महमूद गजनवी ने कहा था। जाहर पीर का साक्षात अगर अर्थ देखा जाए तो वो होता है जिंदा देवता या फिर साक्षात देवता। इनकी दूसरी उपाधि है गोगा जी की राजा मंडुलिक। तीसरी उपाधि है जिंदा पीर, वही बात है जो मैंने आपको जहर पीर बताया था। इन्हें सांपों का देवता कहा जाता है, और ये गायों के मुक्ति देवता भी हैं, क्योंकि इन्होंने अपने प्राणों का जो बलिदान दिया था वो गायों की रक्षा के लिए ही दिया था। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गोगा जी का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो गोगा जी का प्रतीक चिन्ह है पत्थर की मूर्ति पर सांप का चित्र। आपने देखा होगा बहुत से स्थानों पे जो थान होते हैं छोटे छोटे गोगा जी के, उन पर पत्थर की मूर्ति पर सांप बना हुआ होता है, तो वो गोगा जी का स्थान है। थान का मतलब होता है कि गोगा जी का छोटा मंदिर, और जितने भी थान हैं गोगा जी के वो आपको खेजड़ी के वृक्ष के नीचे ही मिलेंगे। इनकी जो ध्वजा होती है पताका, वो सफेद रंग की होती है, और गोगा जी की स्तुति में जो गीत गाए जाते हैं वो छावली कहलाते हैं। गोगा जी के पुजारी को चायल कहा जाता है, और इनके जो मौसेरे भाई हैं उनका नाम मैं आपको बता चुका हूँ, अर्जन और सर्जन, जो इनकी मौसी यानी इनके पिताजी की दूसरी बीवी काछल देवी के पुत्र थे। गोगा जी ने नाग देवता तक्षक को पराजित कर अपनी पत्नी केलमदे को पुनर्जीवित कराया। दरअसल ये एक कहानी है जो गोगा जी के साथ जुड़ी हुई है। कहते हैं कि विवाह के पश्चात गोगा जी की जो पत्नी थी केलमदे, उनको सांप ने काट लिया था, और इस बात से गोगा जी क्रोधित हो जाते हैं। गोगा जी के जो गुरु थे उन्होंने इन्हें सांपों को वश में करने की अपनी सिद्धि सिखाई हुई थी, इसलिए गोगा जी एक यज्ञ का आयोजन करते हैं, और वह मंत्र सिद्धियों से जितने भी सर्प थे उनका विनाश करना प्रारंभ करते हैं। जैसे ही गोगा जी ने हवन चालू किया यज्ञ, तो आसपास जितने भी सर्प थे वो सीधा उस यज्ञ कुंड की तरफ बढ़ते, वेदिका की तरफ, और अपने आप उस कुंड में गिरते जाते। जब यह निरंतर चलता रहा तो जो सर्प देवता थे तक्षक वो प्रकट हुए, और उन्होंने गोगा जी से प्रार्थना की कि इस तरह तो आप मेरी पूरी नाग जाति का, जो मेरा जितना भी नाग वंश है उसका नाश कर दोगे, आप उसे इस धरती से समाप्त कर दोगे। तो गोगा जी उनसे इनको बचाने के बदले में अपने बीवी के प्राण वापस पुनः मांगते हैं, इसलिए वो तक्षक अपना जहर किसी भी तरीके से उनकी बीवी से निकाल लेते हैं, और उनकी बीवी केलमदे जीवित हो जाती है।
तो गोगा जी को वरदान देते हैं, उन्हें कहते कि आज से आपकी सर्प के काटे का इलाज आपके स्थान पे, आपके स्थान पे होगा और आप सर्पों के देवता कहलाओगे। गोगा जी के जो मौसेर भाई थे, इनसे गोगा जी का कुछ कहते हैं कि भूमि को लेके भी विवाद था, और इसी विवाद के कारण क्या होता है कि जो महमूद गजनवी है, वो एक बार सोमनाथ मंदिर को लौट रहे थे, तो वो अपने साथ काफी धन संपदा लेके आए थे। जब वो गोगा जी के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो अर्जन और सुरजन जो कि गोगा जी के मौसेरे भाई हैं, वह गोगा जी की गायों को चुरा के सीधा मोहम्मद गजनवी को दे देते हैं। महमूद गजनवी उन गायों पर अपना सोने आभूषण लाद कर उनको ले जाने लगता है। जब इस बात की सूचना गोगा जी को लगती है, तो गोगा जी अपनी गायों को छुड़ाने के लिए अपने 47 पुत्रों और 52 भतीजों के साथ युद्ध भूमि में पहुँच कर युद्ध करते हैं और अपनी गायों को बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। गोगा जी के साथ इस युद्ध में गोगा जी के जो ज्येष्ठ पुत्र थे केसर कुंवर जी, वो भी शहीद हो जाते हैं। केसर कुंवर जी के बारे में मैं आपको अगली कक्षा में या इसी कक्षा में मैं आपको बाद में बता दूंगा। गोगा जी और महमूद गजनवी के मध्य जो यह युद्ध लड़ा गया था, इसका वर्णन कवि मेहा ने अपने ग्रंथ रावसाल में किया है। कहते हैं कि जब गोगा जी महमूद गजनवी से युद्ध कर रहे थे, तो युद्ध करने के दौरान जो गोगा जी का शीश था, वो ददरावत चूर नामक स्थान पर जाके गिरता है, और उनका जो धड़ है वो महमूद गजनवी की सेना से लड़ता हुआ, जो अपना हनुमानगढ़ है गोगामेड़ी, जहाँ पे वर्तमान में गोगामेड़ी स्थल बना हुआ है नोहर, वहाँ जाके गिरता है। और इसी वजह से वहाँ पे जहाँ पे इनका शीश गिरा था, उसे शीर्षमेड़ी के नाम से जाना जाता है, और जहाँ पे गोगा जी का धड़ गिरा था, उसे धुरमेड़ी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर पर मुख्य प्रवेश द्वार पर, यानी हम बात कर रहे हैं गोगा मेड़ी की, जो कि हनुमानगढ़ में है, यह जो मंदिर है उसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, और उसने इस मंदिर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है उस पर बिस्मिल्लाह शब्द लिखवाया गया है। बिस्मिल्लाह शब्द का अर्थ होता है शुभ होना। गोगा जी का जो यह मंदिर है गोगा मेड़ी में, वह मकबरे नुमा शैली में बना हुआ है, क्योंकि उसका जो ऊपरी हिस्सा था वो दरअसल फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, तो वो गुम्बद नुमा है। जब महमूद गजनवी देखता है कि गोगा जी का धड़ अकेला लड़ रहा है, उनका सिर कट चुका है, तब जाकर वो गोगा जी को जहर पीर की उपाधि देते हैं। गोगा जी का जो मंदिर है वो वर्तमान में आधुनिक में जो जिस स्वरूप में आपको देखने का मिलेगा, उसका निर्माण बीकानेर के जो महाराजा है वो गंगा सिंह ने करवाया था। इस स्थान पर गोगा जी का जो मेला लगता है, वो गोगा नवमी के दिन लगता है, जो भाद्रपद कृष्ण नवमी को आता है। इस मंदिर पे गोगा मेढ़ी पे 11 महीने तो मुस्लिम पुजारी बैठता है, जो कयाम खानी जाति से संबंधित होता है। 1 महीने इस पे जब मेले का वक्त होता है, तब हिंदू पुजारी बैठता है, जो मेहर जाति का मेघवाल रहता है। और इस गोगा मेड़ी में जो मेला लगता है गोगा नवमी को, इसमें गोगा नृत्य का आयोजन होता है। तो आज की कक्षा में हमने गोगा जी का एक संक्षिप्त में विवरण देखा। आप इस वीडियो से अपना नोट्स लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।